कि हमारे पूर्वज यहाँ व्यापार करने आए, हमको व्यापार पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, अपनी भागीदारी हमें जो है अपने बिजनेस में भी हमको देखना चाहिए। तो हम लोग उत्थान की बात कर रहे हैं, राजनीतिक उत्थान नहीं, उसमें आर्थिक उत्थान हो गया, सामाजिक उत्थान हो गया और राजनीतिक उत्थान हो गया जो है। तो हमने वो भी बात किया कि हमारा यहाँ पे जो है व्यापार में भी हिस्सेदारी होना चाहिए और होना ही चाहिए जो है। मैं अपने युवाओं से वो कहना चाहता हूँ कि व्यापार में भी वो अपना ध्यान देंगे। उत्तर भारतीय समाज को एक अपने यूज एंड थ्रो के रूप में यूज किया, लेकिन इस बार उत्तर भारतीय समाज जाग चुका है। विक्रम के साथ साथ यहाँ सुरेश की सबकी जवाबदारी है कि जमीन एक बार दे दें, उत्तर भारतीय संघ का भवन उत्तर भारतीय बना ही लेगा, तो मेरी तनख्वाह 2000 रहेगी तब तक गंगा यहाँ रहेगी। अरे मैं आज कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 2000 जब भी महापालिका चुनाव होगा अगली बार आपको ये प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। कोई ईंटा देगा, कोई सीमेंट देगा, कोई बालू देगा, कोई मेहनत करे, जमीन कहाँ से लाया? जमीन देने का सरकार को देना है। हम उनको एहसास कराएंगे कि मेरे बगैर तुम्हारी महापालिका नहीं चलेगी। सकता है कहीं कम ज़्यादा हो गए हों, यहाँ पे बिहार बिहार है। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आज मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अरे ऐसे कैसे बोलिए सर, मैं आप काहे अपने ऊपर ले लिए, आप उनके बात बता रहे थे, आज तालाब के लिए कुछ भी इस कार्यक्रम में उत्तर भारतीय समाज से आने वाले सुरेश सिंह, जो कि उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर लल्लन तिवारी, जो कि शिक्षा सम्राट माने जाते हैं, पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह जी और साथ ही उद्योगपति पंकज मिश्र जैसे कई बड़े दिग्गज मौजूद रहे। हमने उनसे इस विषय पर बात की कि आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय समाज के लिए वो क्या सोचते हैं और उत्तर भारतीय समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। हम सबसे पहले उत्तर भारतीय समाज को पहले एकत्रित करके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमारा समाज एक दूसरे से जब जुड़ जाएगा तो खुद ही निर्णायक रहेंगे, उसमें आपको खुद दिख जाएगा कि क्या हो। उत्तर भारतीय भवन की जो मांग है हमारे समाज में, अभी हमको उत्तर भारतीय समाज का अध्यक्ष बनाया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज हम अपने समाज की बातों को कभी विक्रम भाई के माध्यम से, कभी बाबा के माध्यम से मिल करके उसको हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको कोई ज़मीन मिले जिसपे अपना कार्य, मतलब ये उत्तर भारतीय समाज का मकान बन सके। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें हमने हर एक आदमी को यहाँ पे जो उत्तर भारतीय समाज है हर एक को इनवाइट किया था। हमने बताया था कि हमारे समाज में थोड़ा मतभेद हो जाता है, वो लोग अपने हर एक बात को मन में लगा लेते हैं, हमने वही सबसे रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। बिहार हमारी माता सीता की धरती है, माँ का सम्मान तो करना ही करना है। सकता है कहीं कम ज़्यादा हो गए हों, यहाँ पे बिहार बिहार है। कुछ समय पहले सुरेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चे का मीरा भाईंदर जिला का अध्यक्ष बनाया। कई लोग इच्छा थी कि हम सब लोग उनका सम्मान करें, उसी सम्मान को लेकर के एक जो मिलन होता है, क्योंकि एक तो बप्पा परसों गए अपने गांव गए, ये बता के मैं जा रहा हूँ, आप लोग अच्छा काम करो, अगले वर्ष में जल्दी आऊँ। तो और आज जो है सावन महीना ख़त्म हो गया, एक कजरी सुनने का मन लोग बना रहा, कहे कि जब तक बरसात होती रहेगी तब तक लोग कजरी सुनते रहें। चिमने गुदान के एक मास्टर जी ने कहा कि मेरी तनख्वाह 2000 रहेगी तब तक गंगा यहाँ रहेगी, इसलिए हमारे समाज लोगों ने कहा कि जब तक बरसात होती रहे हम कजरी सुनते रहें। एक सांस्कृतिक महोत्सव था, उसी को लेकर इकट्ठा हुए और आप देख रहे हैं कि समाज का जो जिस राजनीतिक दल में है वो दल की बात छोड़ करके एक परिवार जैसे बैठे हैं। यही हमारी परंपरा है, यही उत्तर प्रदेश संस्कृति है, महाराज की संस्कृति के साथ हमारा जो मिलन है ये दर्शाता है कि हम महाराज की धरती और उत्तर प्रदेश की धरती को लंबाई में दूरी हो सकती है, किलोमीटर में दूरी हो सकती है, दिनों में दूरी नहीं है, हमारी संस्कृति में दूरी नहीं। पहले उत्तर भारतीय को प्रश्न समझने में देर लगती थी, इस बार 2014 से समझते समझते
अब पूरी तरह समझ गया है। अगली बार ये प्रश्न आपको पूछने का मौका नहीं मिलेगा। अरे मैं आज कर रहा, नोट कर लीजिए, 2000 जब भी महापालिका चुनाव होगा अगली बार आपको ये प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा दिन पहले विक्रम प्रताप सिंह हमारे आज के विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मिले थे, मेरी भी सामने बात हुई थी। मैंने भी ये कहा था कि आपको उत्तर भारतीय भवन बनवाना है, इसलिए बनवाना है आप यहाँ उत्तर भारतीय बनाएंगे, भवन बनाएंगे तो हम काशी में पराटकर साहब के नाम एक भवन बनवाने जा रहा हूँ। हमारा उनका हो गया है, हमारी संस्कृति पे हो गया है, मुझे लगता है जल्द वो काम शुरू होगा। विक्रम के साथ साथ यहाँ सुरेश की सबकी जवाबदारी है कि जमीन एक बार दे दें। उत्तर भारतीय संघ का भवन उत्तर भारतीय बना ही लेगा, कोई ईंटा देगा, कोई सीमेंट देगा, कोई बालू देगा, कोई मेहनत कर, जमीन कहाँ से लाया? जमीन देने का सरकार को देना है और मुझे लगता है ये भी प्रश्न आपका अगली बार अधूरा रह जाएगा। वजह यही थी कि हम लोग बड़े सहनशील हैं, हमारी संस्कृति है, सहनशीलता रख करके हम उनको ये एहसास कराएंगे कि मेरे बगैर तुम्हारी महापालिका नहीं चलेगी, वो एहसास कराना है, कर रहे हैं। अपने आप समय आएगा, उत्तर भारतीय समाज का हर जगह हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होगा, कभी महापौर बनेगा, कभी उप महापौर बनेगा, कभी स्थायी समिति का चेयरमैन बनेगा और कभी यहाँ से विधायक बनेगा, कभी सांसद भी बनेगा। निश्चित तौर पर आज एक सत्कार समारोह था हमारे समाज के वरिष्ठ एक समाज सेवी जो है माननीय श्री सुरेश सिंह जी का, जिसमें हमारे समाज के वरिष्ठ नेता माननीय श्री कृपा शंकर सिंह जी आए और हमारे समाज के तमाम लोग यहाँ पे आए और एक स्नेह सम्मेलन है। निश्चित तौर पर ऐसे सम्मेलन में समाज ने बड़े खुल के अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जो भी समस्या था उस पर बात हुआ जो है। और निश्चित तौर पे जो है उत्तर भारतीय समाज जिस तादाद में शहर में है उस तादाद में उसको मान सम्मान या हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिला है। और जो सम्मान जो है हमारे नेता प्रताप जी सरनाईक ने अभी तक दे पाए हैं, निश्चित तौर पे वो अग्रिम पंक्ति में है वो। और रही बात जो उत्तर भारतीय भवन की बात है, तो इस शहर में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के मीरा भाईंदर के विधायक माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी ने एक हिंदी भाषी भवन ऑलरेडी पास कर दिया, उसका बजट भी पास कर दिया, जगह भी पास हो गया, अति शीघ्र वो बनने जा रहा है। और उसके अलावा भी जो है हमारे समाज को और भी भवन का जरूरत है और आने वाले समय में हम लोग जो है उस उत्तर भारतीय भवन जो है दूसरा भी स्वरूप हम लोग देखना चाहेंगे जो है, लेकिन पहला तो जो है माननीय प्रताप सरनाईक जी के प्रयासों से बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। देखिए कैसा है, सभी उत्तर भारतीय ने संख्या के आधार पे जो है अगर 20-25% 30% हम लोग संख्या यहाँ कहते हैं, तो अगर 100 टिकट में से 20-25 टिकट जो है हर पार्टियों को देना चाहिए और हर पार्टी का कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता होता है वो अपने पार्टी के लिए लड़ेगा। जब समाज की बात आती है तो समाज की बात होती है। कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस, कोई शिवसेना अपने अपने टिकट देगी तो एक दूसरे में जो है वो लड़ेंगे, लेकिन प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो है, क्योंकि जीतने की बात बाद में आती, पहले लड़ना। तो ये नाइंसाफी अभी तक हुआ है जिस तरीके से पिछले 2017 के चुनाव में 16 टिकट जो है माननीय प्रताप सरनाईक जी शिवसेना ने दिया था, वो पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े तादाद में कम से कम टिकट दिए, भले उसमें 2 जीत के आए। बाद में मनोनीत नगर से मुझे जो है शिवसेना ने चुना जो है माननीय प्रताप सरनाईक जी एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं समाज में एक जो है जिज्ञासा जगह जो है कि नहीं जो है हम लोगों को भी अपने अधिकार मिलना चाहिए और निश्चित तौर पे जो है मिलना चाहिए संख्या के आधार पे। कहीं ना कहीं जब वो राजनीतिक मंच सजाते हैं तो वहाँ हमारा समाज गायब रहता है। और मैं इसका हमेशा से जो है मैं यहाँ इस शहर में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा और मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, मैं उत्तर भारतीय मोर्चे का अध्यक्ष रहा, मैं विधानसभा लड़ने मेरे गाँव मुझे जाना पड़ा। निश्चित तौर पर मेरा ये पीड़ा रहा है जो है कि मुझे हर नागरिक, ये हमारी धरती जो है महाराष्ट्र की धरती, हम लोगों की ये कर्मभूमि है, इसका सम्मान है और यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रथम वरीयता मिलना ही चाहिए, उसके हम लोग समर्थक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या के आधार पे उसके बाद जब सेकंड बार मामला आता है तो संख्या के आधार पे हिंदी भाषी लोग या उत्तर भारतीय यहाँ पे ज़्यादा है, उनको हर जगह सम्मान मिला, खाली टिकट में नहीं, मंचों पर भी मिलना चाहिए जो है, नहीं मिलता है अभी तक जो है। मैंने देखा है कि हमारे पूर्वज यहाँ व्यापार करने आए, हमको व्यापार पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, अपनी भागीदारी हमें जो है अपने बिजनेस में भी हमको देखना चाहिए। तो हम लोग उत्थान की बात कर रहे हैं, राजनीतिक उत्थान नहीं, उसमें आर्थिक उत्थान हो गया, सामाजिक उत्थान हो गया और राजनीतिक उत्थान हो गया जो है। तो हमने वो भी बात किया कि हमारा यहाँ पे जो है व्यापार में भी हिस्सेदारी होना चाहिए और होना ही चाहिए जो है। मैं अपने युवाओं से वो कहना चाहता हूँ कि व्यापार में भी वो अपना ध्यान देंगे। ये कार्यक्रम उत्तर भारतीय समाज के लिए कार्यक्रम है, खासतौर पर उत्तर भारतीयों के लिए है। इसमें सिर्फ उत्तर भारतीयों को निमंत्रण दिया गया, उनका ही आगमन है, उनका ही स्वागत है और उनके लिए ही कार्यक्रम है। और पूर्ण जोर रूप से
उत्तर भारतीय उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। अभी तक लोगों ने उत्तर भारतीय समाज को एक अपने यूज एंड थ्रो के रूप में यूज़ किया, लेकिन इस बार उत्तर भारतीय समाज जाग चुका है और वो अपना कैंडिडेट खुद उतारेगा और खुद संपूर्ण रूप से भागीदारी करेगा और अपनी हकदारी जो भी उसकी हकदारी है वो मांग के लेगा। एकमात्र उद्देश्य स्वागत तो एक अलग कार्यक्रम है ही है, उसी बहाने हमारे उत्तर भारतीय समाज का यहाँ पे समागम हुआ सम्मेलन खाली इस बात के लिए कि हम उत्तर भारतीय एक ऐसी लंबी लकीर खींचे जो दलगत राजनीति से अलग हों, यूथाचार था उनके अंदर जो राजनीतिक शरणार्थी बने हुए हैं वो बात उनके दिमाग से निकल जाना चाहिए, गुलामी पूर्ण जिंदगी जो उनके मन में अभी भी भरा पड़ा हुआ है। हम लोग नेता लोग भीड़ लगाते हैं, मंच में कोई दूसरा आके खड़ा हो जाता है, उत्तर भारतीय खाली अवाक होकर चले जाते हैं। वो चीज़ उनके दिमाग से निकालने के लिए हमने खाली प्योर उत्तर भारतीय समाज की मीटिंग ली है। आपने मंच देखा, उसमें कोई भी पार्टी दलगत पार्टी से अलग होकर के ये मीटिंग हुई है और सबका सहयोग मिला है, सभी पार्टी के लोग यहाँ पे आए हैं और अपना दिल खोल के बात की। दलगत बातों से ऊपर उठ करके मीरा भाईंदर में जो उत्तर भारतीय समाज 40% की आबादी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है, राजनीतिक दल में खुद जो आज जो सत्कार मूर्ति हैं वो खुद दलगत में जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, लेकिन दल को नकारते हुए यहाँ पे सिर्फ समाज को प्राथमिकता देते हुए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उत्तर भारतीय समाज का राजनीतिक सामाजिक उद्योगपति व्यवसायिक चिकित्सक पत्रकार जो भी हर बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं सारे लोगों की यहाँ पे उपस्थिति ये एकजुटता प्रेम और सद्भाव इस बात का प्रतीक है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कहीं न कहीं राजनीति में जो उत्तर भारतीय समाज उपेक्षित रहा है, जिसको कहीं न कहीं हताशा और निराशा सदैव हाथ लगती रही हो, चाहे वो मुंबई रहा हो चाहे वो सबरमन के क्षेत्र रहे हो, निश्चित रूप से वहाँ पे उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय और दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। उस बात को लेकर के ये तो भविष्य में सारे एजेंडे तय होंगे, लेकिन सारे चाहे धार्मिक व्यक्ति के लोग हो चाहे व्यावसायिक लोग हो राजनीतिक लोग हो सारे लोगों को एक मंच में ला करके उत्तर भारतीय समाज द्वारा यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है और उत्तर भारतीय समाज निश्चित रूप से अब जो बैसाखी के सहारे चलता था वो अपनी आवाज को अपनी जनसंख्या के अनुपात में मांगने का प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर भारतीय समाज के जो नेता है या अपने आप को उत्तर भारतीय समाज के हितकारी बताते हैं, क्या वो लोग उत्तर भारतीय समाज को जो भवन की बात रखी गई थी मांग रखी गई थी वो दिला पाएंगे या नहीं, या फिर उत्तर भारतीय समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का शिकार बनाया जाएगा। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।